सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लेकर। IRB के अंदर आज हमें अचानक से गिरावट देखने को मिले, भी 2.5% के करीब जो स्टॉक है वो अभी के टाइम गिरावट में है। 4.15 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आई है और लगभग 65 रुपये के आसपास जो स्टॉक है वो अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहा है। तो इतना बड़ा फॉल अचानक से आखिरकार क्यों हुआ है? आपने देखा होगा ऑलरेडी इसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन आ चुकी है। 78 रुपये के आसपास इसका जो 52 वीक हाई है वहाँ से आप लोग देखो स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल आया। स्टॉक ने दो बार लगातार 10-10% की गिरावट दिखाई है। तो आज के दिन फिर आप लोग देखो स्टॉक टूटे, स्टॉक में तेजी बनने की वजह स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो फिर स्टॉक उसी भाव में आ जाता है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है? तो आज आपने देखा होगा अभी अकेला ये स्टॉक ने जो टूटे पूरी मार्केट के अंदर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। ज़्यादातर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स में 1-1.5% के करीब गिरावट बनी हुई है। तो इतना बड़ा फॉल अगर होएगा तो जाहिर सी बात है इन शेयरों पे भी असर आएगा। ये आप लोग डिफेंस सेक्टर में जो नॉन स्टॉप रैली बनी है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं वहाँ पर। इसी के चलते आप लोग और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमें असर देखने को मिला है। तो इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जो इंडस टावर है वहाँ पर भी एक बड़ी करेक्शन बनी है और उस बड़ी करेक्शन के पीछे का रीजन है 10% के आसपास स्टेक बेचना वोडाफोन की तरफ से। तो वोडाफोन ने वहाँ पर 10% स्टेक बेचा है जिसका असर हमें इंडस टावर पर भी देखने को मिला। तो इन शेयरों में जो गिरावट बनी है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुई है। ये जो स्टॉक है वो हमें जो है अभी दबाव में आते हुए नजर आए, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। बट पैनिक नहीं होना है, बहुत से जो मार्केट एनालिस्ट है उन्होंने भी इसको बाय रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसके सब पहले आपने देखा होगा वेंचुरा ने भी 134 रुपये के आसपास के टारगेट दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक भाई का कमेंट आया था भाई, और उनका कमेंट भी ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप लोग होल्ड करोगे ना इतना किसी और अदर स्टॉक में 10-15% कमा लोगे। तो भाई अगर आपको अपॉर्चुनिटी है भी किसी और स्टॉक में कमाने की तो वहाँ पर आप लोग कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में चलना है तो स्टॉक सही है, इसमें कोई दुराय नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी IRB के अंदर हमें जो अभी ओपन होते हुए नजर आया, फिर स्टॉक ऊपर से टूटा है भाई और एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला यहाँ पर। यानी कि जो स्टॉक में हमें 7-8% के आसपास 7% के करीब जो स्टेक बेचा गया था, ठीक है, उसके बाद आप लोग सिंटा ने बेचा था ना यहाँ पर 7-8% के करीब स्टेक बेचा, उसके बाद जो स्टॉक जिस भाव में आया था उसी भाव में अभी के टाइम है। तो ये मौके बने हुए हैं भाई, स्टॉक अपने हाई से टूटा हुआ है 10-15% 20% जो भी है 20-25% के आसपास, तो ये मौका बना हुआ है। तो ये मौके बार बार नहीं आते, आपको मैंने कई बार पहले भी बताया था कि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तो नीचे के भाव में खरीदारी जिनको करनी है वो करके चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर नीचे में सपोर्ट देखोगे 60 रुपये और 58 रुपये, ये रहेंगे भाई शॉर्ट टर्म वालों के लिए। ऊपर में स्टॉक 70+ के मूव हमें दिखा सकते हैं बजट से पहले। तो बजट आपको पता होगा 20 तारीख के आसपास आएंगे भी, और जैसे बजट के ऊपर कोई और अपडेट आएगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इस स्टॉक के रिगार्डिंग भी कोई खबर आपसे मिस नहीं होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।